हे गाइज, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ आप लोग खुश होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। तो गाइज, बाज गए हैं 5:57 और हम करते हैं प्रेस, उठ गए हैं, लगभग 6 बजने वाले हैं, 3 मिनट बाकी हैं। तो चलिए, बच्चे अभी सो रहे हैं, तो चलिए हम प्रेस करते हैं अभी प्रेस फटाफट, क्योंकि गर्म हो रहा है। कपड़े उठा लें बच्चों के, प्रेस कर, कपड़े उठा लिए क्योंकि कल धो दिए थे मैंने, अब प्रेस करते हैं। आज सुबह बच्चे चले जाएंगे स्कूल, खूब सारे कपड़े धुल गए हैं, अब करते हैं इसे प्रेस और फिर बच्चों को जगाते हैं, रेडी करते हैं स्कूल के लिए। नहीं है साबुन, ख़त्म हो गया, लेने जा रहा हूँ, अंधेरा है काफ़ी। ये दुकान खुल जाती है स्कूल के टाइम पे सामने, वहाँ से लाते हैं और बिस्कुट भी ले आते हैं सुबह सुबह। सुबह सुबह अंधेरा है। तो गाइस, बज गए हैं 6:30 और शुरू पर काफ़ी खूबसूरत मौसम हो गया है और देखो दुकानें भी खुल गई हैं स्कूल की, क्योंकि स्कूल सुबह सुबह खुल जाता है, लड़कियों का सरकारी स्कूल है। देखो लोग ही बैठा हुआ है, ले लिया सामान है ये, क्योंकि रोहित नहा रहा है, सुनसान अभी अंधेरा लगा हुआ है, सर्दियों में काफ़ी अंधेरा लगा हुआ है। अभी भी चल रहे हैं, हम वापसी आ गए हैं, सुबह सुबह जाने का मन नहीं करता बाहर, साबुन नहीं था गाइस, ले आए साबुन। आ गया आ गया आ गया, रोहित चिल्ला रहा है, लो रे पानी गरम करो थोड़ा। अच्छा ठीक है, निकाल दे, खोल पान। अरे बाबू चिल्लाते नहीं है, परेशान हो रहा है, ठंडा है पानी। चाय हो चुकी है, अब देखो बढ़िया, लेट भी हो गया थोड़ा, गला भी मेरा आज खराब है थोड़ा बाबू। जब भी मैं चाय पीने बैठता हूँ तो ये पिद्दी नाम है इसका, खरगोश का, ये हमेशा आ जाता है बिस्कुट खाने के लिए, बड़ा शौकीन है। अगर आप दोगे नहीं तब भी वो वहीं पे खड़ा रहेगा और पैर उठा के कहेगा मुझे दो बिस्कुट, तो ये खाता है बिस्कुट, कोई सी बिस्कुट डाल दो, ये अपने पसंदीदा बिस्कुट इसकी पाली जी है। और अभी मैं शुगर वाले बिस्कुट लाता हूँ अपना मेरी गोल्ड, तो वही खा रहा है, देखिए कितने प्यारे से खा रहा है, कट 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 कट, और जित गुस्सा भी हो जाता है अगर नहीं दोगे तो। तो चलिए हम चलते हैं आगे। तो गाइस समय से पहले तैयार हो गया है रोहित, पीछे मज़ा आया और मैं ये जो मज़ा है पीछे बैठा हुआ है, और जल्दी उठने से कई फायदे हैं, एक तो इनको जो बीपी बढ़ता है वो भी नहीं बढ़ता, और लड़ाई झगड़ा भी बच्चों में होता नहीं है, टाइम से पहुँच जाते हैं स्कूल। देखो उधर पीछे आवाज़ सुनाई दे रही है, वो हो रही है लड़ाई, मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो, नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है, ये देखो झगड़ा हो रहा है, इतनी बड़ी जैकेट पहन रखी है, ब्रश कर दिए, बताओ नहीं 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 बेटा नहीं 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 छोड़ो, नहीं नहीं मतलब फट जाएगी। तो गाइस झगड़ा तो होता है बराबर, चाहे जल्दी उठे चाहे लेट उठे, रहने दो। मेरी पायल ने मेरी जैकेट पहन रखी, कैसी लग रही है, मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस, मत कर खराब हो जाएगी, इसको ठंड लगी थी, मैंने अपनी जैकेट पिला दी, बताओ सुबह सुबह। हाँ चले जाओ। तो गाइस पायल होगी रेडी, मैं भी रोहित को छोड़ के आ गया हूँ, अब पायल हमारी रेडी एकदम, अब कोट पहन लो फटाफट और नंदनी पी चाय। तो कैम पहुँच भी गए, तो यही है, यही मैं सबसे कहना चाहूँ, बच्चों की छुट्टियाँ कम कराएं, और मैंने अपने बच्चों को छोड़ दिया है, फिलहाल मौसम एकदम ठंडा, थोड़ा चलते हैं पारा, थोड़ा वर्क करते हैं, थोड़ी एक्सरसाइज भी करते हैं, थोड़ा चलते हैं। ओस गिरी है जहाँ जहाँ मैंने पैर पढ़ लिया, देखिए ओस काफ़ी है, ओस से काफ़ी फ़ायदा भी था, तो आज वॉकिंग में तकरीबन 3 राउंड मारे मैंने, खूब सारी घास है, खूब सारी ओस है, हैं खूब सारी ओस है यहाँ पे, हाँ फट जाता है, फायदा भी करता है नुकसान भी है, नुकसान भी तो, लेकिन कम मैं चलता हूँ और इसका फायदा होता है, शुगर वालों को ज़्यादा फायदा होता है। गड़बड़ी थी जहाँ जहाँ मैं चला हूँ वहाँ ओस निकल गई, देखो भैया काट रहे हैं और मैं उसमें घूम रहा हूँ अभी, देखो टहल रहा हूँ उसमें, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है मेरे को, और पूरा 2 राउंड मार चुका हूँ, 3 राउंड यानी लगभग 1 किलोमीटर चल लिया होगा मैंने। जहाँ जहाँ मैं चला हूँ वहाँ पे देखो ओस कैसी हट गई है, यानी वो ओस हट के पैरों में आ गई है, और पैरों में इसका काफ़ी फ़ायदा भी होता है, तो मैं ओसी पे चल रहा हूँ, देखो ये देखो, तो उसका काफ़ी फ़ायदा भी है, अच्छा भी लग रहा है यहाँ पे,
बहुत अच्छा पा रहा है, खजूर कैसे पेड़ है कितने खूबसूरत है। ताईस हो गए, धूप पेड़ों पे आ चुकी है, कितनी खूबसूरत लग रही है। और घर भी सजा हुआ है, यहाँ पे शादी किसी की, और मेरा भी वर्क जो था आधा घंटे का पूरा हो चुका है, मतलब आधा 27 मिनट हो चुके हैं, 3 मिनट और रुकूंगा यहाँ पे। तो घूम फिर लिया है, काफ़ी अच्छा लगा है यहाँ पे, और शरीर को भी अच्छा लगता है। और साथ उधर भी शादी, इधर भी शादी है सामने, देखो ये भी, इस पर भी वोस पड़ जाती है, कितना सुंदर लगता है। ये देखो उड़ गए सब, उड़ गए झुंड के झुंड। ये देखो उड़ रहे हैं, और देखो 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 आएंगे अभी कबूतर, देखो धीरे धीरे आ रहे हैं, ये देखो आ रहे हैं धीरे धीरे। फिलहाल हम आ चुके हैं ऑफिस, और आज जो गाड़ी जो इंडिवर मेरे पास रहती थी वो आज है नहीं, क्योंकि वो जाएगी आज देहरादून, उसमें कोई और ड्राइवर जा रहा है, और मेरे पास आज रहेगी ग्लेंजा। ये देखिए मछलियाँ, आज हम इनको डालते हैं दाना, देखो कैसे कर रही है, मुझे कोई खिलाएगा, क्योंकि खूब सारी हैं, और थोड़ा सा दाना डालते हैं तो ख़त्म हो जाता है, क्योंकि खूब सारी मछलियाँ हैं, एक का दुक्का नहीं है कि थोड़ा सा डालो, लेकिन जब ज़्यादा मछलियाँ होती हैं तो ज़्यादा डालना पड़ता है। तो मैं इसको डालता हूँ दाना, रख दिया बेचारा सामान। गौतम भाई तब मेरे नाम से भी दर्शन कराना, ठीक है, हाँ बंद कर, जल्दी गेट डिग्गी बंद कर, सामान रख दिया। भाई हम तो दीपक भाई से मिले हैं आज, आज बड़े मुश्किल से, कब बहुत कम दर्शन दिए। तो भाई कहाँ गया था भाई, तू कहाँ गया था घूमने भाई, लगते रहते हैं भागे चक्कर। मनाली गया था, मनाली नहीं, मनाली नहीं गया था, कहाँ गया था पता, देहरादून वो भी गाड़ी गया था। बहुत बुरे लग रहे, तोबा तोबा तोबा, अब सोलन जाएंगे, ऊपर बाहर रख दियो, बाहर अंदर के सीट पे आगे बंद कर दो उसको। कहाँ से चलिए ऐसे ही खूबसूरत ब्लॉग के साथ मैं आपको नेक्स्ट फिर मिलूंगा, तब तक के लिए बाय बाय।